पिछले वीक एजे स्टाइल और आज ब्रॉक लेसनर एनएक्सटी में, वो भी वैन वॉगनर के सामने, तो भाई अब ना आएगा मजा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपके अपने चैनल आर के रेसलिंग ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और मैं अपने सभी भाइयों के चैनल पर वेलकम करता हूँ। देन नाउ स्टार्ट द वीडियो। चलिए बात करते हैं अपने पहले न्यूज की। तो लो ना, ये फाइनली फिक्स हो गया है, एनएक्सटी के नेक्स्ट पेपर व्यू न्यू ईयर इविल में ब्रॉन ब्रेकर फाइट करेंगे तोमासो चांपा से फॉर द WWE एनएक्सटी चैंपियनशिप। गाइस पिछले वीक तो कमाल हो गया, चांपा ब्रॉन ब्रेकर को समझा रहे थे कि ब्रॉन मैं कई वीक से देख रहा हूँ कि तू मुझसे एक मैच मांग रहा है, तूने मुझे एनएक्सटी वॉर गेम में पिन किया है, इसलिए तू इस चैंपियनशिप के लिए एक और मौका डिजर्व करता है और चल मैंने तुझे एक मौका दिया। ब्रॉन तू काफी ज्यादा लकी है क्योंकि तुझे इस चैंपियनशिप के लिए दोबारा मौका मिल रहा है। ब्रॉन तुझे पता है आज मैं इस एनएक्सटी में पिछले कई साल से हूँ और मैंने चैंपियन बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया, तब जाकर आज मुझे ये एनएक्सटी चैंपियनशिप मिला। और तुझे आए इस एनएक्सटी में कितना दिन हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से तूने 20 से 22 मैच में फाइट किया है और अब तेरा मानना है कि तू एनएक्सटी चैंपियन तोमासो चांपा को हराकर नया चैंपियन बनेगा। इसके बाद तोमासो चांपा ब्रॉन ब्रेकर को एक जोड़ का तमाचा खींच देते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और वे चांपा को दोनों हाथों से उठा लेते हैं। ब्रॉन चांपा को उठा तो लेते हैं लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचाते हैं। इसके बाद तोमासो चांपा काफी ज्यादा घबरा और डर जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर चांपा के चैंपियनशिप को उठा लेते हैं और वे चांपा से कहते हैं, अब कुछ वीक के लिए रख ले इस चैंपियनशिप को, इसके बाद तो ये मेरा हो जाएगा। ऐसा देखकर लग रहा है कि जल्द ही तोमासो चांपा का ये चैंपियनशिप अब ब्रॉन ब्रेकर का होने वाला है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने दूसरे न्यूज की। तो फाइनली एजे स्टाइल एनएक्सटी में एक्शन में आने के लिए तैयार हैं। पिछले वीक ही एनएक्सटी में हमें द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं। एजे स्टाइल के एनएक्सटी में आने का वजह ये सुपरस्टार है जिन्हें आप जानते ही होंगे, इनका नाम ग्रेसन वॉलर है। इस यंग सुपरस्टार ने एनएक्सटी के बाकी सुपरस्टारों के नाकों में दम कर रखा है। एनएक्सटी का सारा सुपरस्टार इनसे परेशान है और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने आप को एजे स्टाइल से कंपेयर करना शुरू कर दिया और जब इन्होंने सोशल मीडिया पर एजे स्टाइल से ये कहा कि वे एजे स्टाइल से बेहतर हैं, तब एजे स्टाइल से नहीं रहा गया और वे आ गए एनएक्सटी में ग्रेसन वॉलर को मजा चखाने के लिए। और जब एनएक्सटी में ग्रेसन वॉलर और एजे स्टाइल फेस टू फेस होते हैं तो एजे स्टाइल के रिंग में आते ही ग्रेसन वॉलर बकवास करना शुरू कर देते हैं और एजे को उनकी बकवास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब एजे स्टाइल ग्रेसन वॉलर से कहते हैं, स्टॉप इट वॉलर, अपनी बकवास बंद कर यार, तो जब भी किसी से मिलता है उसे पकाना शुरू कर देता है और मेरे बारे में तू क्या बोल रहा था, यही कि तू मुझसे बेहतर है, तू क्या समझता है अपने आप को। इसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि मैं WWE का फ्यूचर हूँ। तब एजे कहते हैं, तू वो भी WWE का फ्यूचर, यार बकवास मत कर, WWE का फ्यूचर तो मुझे ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेज, हार्लैंड जैसे सुपरस्टारों में दिखता है, तू तो केवल बकवास करता है, तुझमें ऐसा क्या है। फिर ग्रेसन वॉलर कहते हैं, चल एक मैच कर लेते हैं, तब तुम्हें दिख जाएगा कि मुझमें ऐसा क्या है। फिर एजे स्टाइल कहते हैं, तू मुझसे फाइट करेगा तो ठीक है, चल आ जा। इसके बाद ग्रेसन वॉलर अपने शर्ट को उतार के फेंक देते हैं, मानो कि वे अब फाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ग्रेसन वॉलर रिंग से निकल जाते हैं और वे एजे से कहते हैं, एजे मैं तुझसे फाइट जरूर करूंगा लेकिन पहले तू ओमास के साथ अपना मैटर सुलझा ले, जब तुझे ओमास पूरी तरह से खत्म कर देगा तब मैं इसके बाद जरूर आऊंगा तेरी और बुरी हालत करने। तो अब यहाँ एजे स्टाइल का फ्यूड ग्रेसन वॉलर के साथ स्टार्ट हो गया है और अब एजे स्टाइल हमें हर वीक एनएक्सटी 2.0 में देखने को मिलेंगे और जल्द हमें उनका मैच ग्रेसन वॉलर के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइज अब बात करते हैं अपने तीसरे न्यूज की, जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो। क्या सच में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस वैन वॉगनर होने वाला है? तो चलिए अब बात करते हैं इस बारे में। जब से फैंस ने वैन वॉगनर को स्मैकडाउन में एडम पियर के साथ देखा है, तब से वे चाहते हैं कि एडम पियर और ब्रॉक लेसनर का फ्यूड चल ही रहा है, तो क्यों नहीं एडम पियर ब्रॉक लेसनर से बदला लेने के लिए ब्रॉक लेसनर के सामने वैन वॉगनर को खड़ा कर देते हैं। अगर इनके बीच एक सिंगल मैच होता है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैन वॉगनर ब्रॉक लेसनर से फाइट करने के लेवल पे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। भले ही वैन वॉगनर देखने में लंबे चौड़े हैं, लेकिन अभी इस सुपरस्टार को अपने ऊपर काफी ज्यादा काम करना होगा, काफी हार्ड वर्क और स्ट्रगल। इसके बाद वॉन अगर एनएक्सटी में कुछ बड़ा करते हैं तब WWE उन्हें
रॉ या फिर स्मैकडाउन के मेन रोस्टर में भेजेंगे। और अगर तब तक ब्रॉक लेसनर WWE में रहते हैं तो तब इनके बीच एक मैच देखने को मिल सकता है। गाइस बात करते हैं अपने चौथे न्यूज की। इस न्यूज में हम बात करेंगे कि D1 पेपरव्यू में कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक फैटल फोर वे मैच की। ये मैच बिगी वर्सेस केविन ओवेन वर्सेस सेथ रॉलिंग्स वर्सेस ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बीच है। और अगर इस मैच के विनर की बात करूं तो वो बिगी होने वाले हैं। इस मैच में बिगी अपने WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर रहे हैं। और D1 का दूसरा मैच जो कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए है, इस मैच में हमारे टैग टीम चैंपियन उसोस फेस करेंगे टीम न्यू डे को। और इस मैच के विनर उसोस ब्रदर होने वाले हैं। D1 के तीसरे मैच में जहां बैकी लिंच फेस करेगी लिव मॉर्गन को, और लगता है इस मैच में लिव इस मैच को जीत के नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। और D1 के चौथे मैच में जहां पे ड्रू मैकेंटायर फाइट करेंगे मैडकैप मॉस से, और सभी को ये चीज पता है कि इस मैच के विनर ड्रू मैकेंटायर ही होने वाले हैं। D1 के पांचवें मैच में जहां द रेटेड आर सुपरस्टार एज फेस करेंगे मिज को, और इस मैच में एज पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं मिज को। तो अब बात करते हैं D1 पेपरव्यू के मेन इवेंट की, जहां रोमन रेंस फेस करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। और इस मैच के विनर वही सुपरस्टार होंगे जिन्हें D1 पेपरव्यू में पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे। और गाइज अब बात करते हैं कल के NXT की, जहां हमें एक चैंपियनशिप यूनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है NXT क्रूजरवेट चैंपियन रॉडिक स्ट्रॉन्ग और नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कार्मेलो हेस के बीच। और इनके बीच ये मैच आप लोगों को NXT के नेक्स्ट पेपरव्यू न्यू ईयर इविल में देखने को मिलेगा। गाइज ये एक डबल चैंपियनशिप मैच होने वाला है। पिछले वीक NXT में ग्रेसन वॉलर ने डेक्सटर लूमिस पे अटैक कर दिया था, तो आज के NXT में हमें इनके बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलेगा। इसके साथ ही NXT में हमें एक वुमेन्स टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा, जहां पे रकील गोंजालिस टीम अप करेगी कोडा जेड के साथ, और वे फेस करेंगे NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियन जीजी डॉलिन एंड जेसी जेन को। और गाइज हमें न्यू ईयर इविल में एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। ये मैच होने वाला है मैंडी रोज वर्सेस कोडा जेड वर्सेस रकील गोंजालिस के बीच फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। तो गाइज आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लेना। देन आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय फ्रेंड्स।